नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। फेम इंडिया एशिया पोस्ट के सर्वे में यमकेश्वर से विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण को सुधारवादी कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया है। सर्वे में देशभर के विधायकों का अलग अलग स्तर पर मूल्यांकन किया गया, फिर इन्हीं में से 50 विधायकों का चयन किया गया। और आज हमारे साथ इस पर बात करने के लिए खुद ऋतु खंडूड़ी जी जुड़ी हुई है। ऋतु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्य न्यूज पर, और सबसे पहले बधाई आपको इस उपलब्धि के लिए भी। धन्यवाद अनुजी, जनसत्ता का भी धन्यवाद कि आप से जुड़ी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ऋतु जी, विधायक अपने राज्य में लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण संस्थान के एक तरह से प्रतिनिधि होते हैं। उनका आम लोगों से सीधा संबंध होता है और स्थानीय लोगों के सुख दुख में भी वो भागीदार बनते हैं। आप भी पहली बार विधायक चुनी गई और आपको सुधारवादी कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया है, तो एक विधायक की भूमिका को और उसकी जिम्मेदारियों को आप कैसे देखती हैं? देखिए, जब मैं 2017 में पहली बार विधायक यमकेश्वर से चुनी गई, उससे पहले भी मैं सोशल सर्विस के क्षेत्र में काफी कार्य कर रही थी। लेकिन जब आप जनप्रतिनिधि बनते हैं, सरकारी तौर से क्षेत्र में उतरते हैं, तो जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में आप उतरते हैं उस क्षेत्र की सेवा करने के लिए उतरते हैं, उस क्षेत्र में विकास करने के लिए उतरते हैं, उस क्षेत्र की जनता से कनेक्ट बनाते हुए उनके विकास के लिए उतरते हैं। तो 2017 में जब मैं उतरी, तो मैं इन्हीं उद्देश्यों के साथ पॉलिटिक्स में आई, राजनीति में आई, कि मुझे विकास और सुधार की तरफ कार्य करना है। जी, और ऋतु जी, सुधारवादी कैटेगरी में आपको सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया है, तो किस तरह के सुधार आपने अपने क्षेत्र में किए हैं? देखिए, जब मैं 2017 में बनी और यमकेश्वर का मैंने दौरा किया, पहली चीज मुझे ये समझ में आई कि मेरे क्षेत्र में सड़कों की कमी है, सड़क कम है। आज भी अगर आप पहाड़ के गाँव को देखेंगे तो बहुत से गांव कनेक्टेड नहीं होते हैं, और पहाड़ प्लेन्स में रहने वाले लोग शायद 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर को ज्यादा ना माने, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में अगर गांव मेन सड़क से 1.5 किलोमीटर भी दूर है तो काफी दूर है, क्योंकि हर चीज, गैस लेने से लेकर, राशन लेने से लेकर, बीमार आदमी को उठाने से लेकर, अर्थी को ऊपर नीचे करने से लेकर, हर चीज के लिए बहुत कठिनाई का सामना हमारे गांव वालों को करना पड़ता था। तो मेरे मन ही मन में ये निर्णय और निश्चय और दृढ़ निश्चय किया था कि मैं सड़कों पर काम करूंगी, और भगवान की कृपा, जनता का प्यार, सरकारों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे मेरी राज्य सरकार हो। मैं करीबन 150 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से आज तक करवा चुकी हूँ, और 30 करोड़ से ऊपर की पीडब्ल्यूडी की सड़क भी करवा चुकी हूं, और विधायक निधि से भी मैंने काफी सड़कें कटवाई हैं। तो बहुत मुझे खुशी भी है, लेकिन अभी काम बाकी है कि मैंने जो संकल्प लिया था जब मैं राजनीति में आई थी और जब मैं यमकेश्वर घूमी थी, एक संकल्प गांव को सड़कों से जोड़ने का था, और धीरे धीरे मैं उस तरफ कामयाब होती जा रही हूँ। तो ये मेरा एक सुधारवादी जो कदम था, एक वो था। दूसरा, मैंने पानी के लिए भी काफी काम किया, और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि बहुत सालों से बंद पड़ी हमारी भैरवगढ़ी पानी की जो योजना थी उसको चालू कराया। आज गांव-गांव हम पानी पहुंचा रहे हैं विधायक निधि, और जनता की, जनता ने भी मेरा बहुत साथ दिया है पानी को गांव तक पहुंचाने के लिए। जनता का और मेरा, हमारा पैसे का जो हमने समन्वय, कोऑर्डिनेशन आपस में हम लोगों का रहा, काफी गांव में भी मैं पानी पहुंचा चुकी हूं। तो इस तरह के कुछ छोटे मोटे काम हम लोग कर रहे हैं। हाँ, सुधारवादी ही कहूंगी इन चीजों को, सुधार लाने की अपने क्षेत्र में पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं जी। और ऋतु जी, इस ये जो पूरा सर्वे हुआ है, इसमें 50 कैटेगरीज हैं, जिसमें विकासशील, भविष्यवादी, संचार क्षमता, इस तरह की भी कैटेगरीज हैं, तो कब हम आपको आगे इन क्षेत्रों में भी आगे बढ़ते हुए और इन क्षेत्रों में भी सर्वश्रेष्ठ विधायक का टैग हासिल करते हुए देखेंगे? देखिए, मैं अपने काम पे लगी हूँ, महिला होने के नाते मुझे आज बहुत खुशी है कि ये जो मुझे चुना गया है, ये यमकेश्वर के लिए तो है, यमकेश्वर के लिए गौरव की बात है, लेकिन एक महिला को सशक्त करने की भी बात है। इसलिए मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं सुधारवादी विधायक के रूप में चुनी गई हूँ, और आगे भी पूरी कोशिश करती रहूंगी कि जिस तरह की कैटेगरीज हैं उनमें मैं कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आती रहूं। जी,
तो ऋतु जी हमारी तरफ से भी आपको बधाई कि आप आगे भी कई क्षेत्रों में काम करें और इसी तरह ये जो 50 विधायकों की ये जो सूची रहती है इसमें आप हमेशा अपना नाम शामिल करती रहें, लेकिन भविष्य में अब क्योंकि ये जो आपको उपलब्धि हासिल हुई है, ये जो सम्मान आपको मिला है, इसके बाद जिम्मेदारियां भी लाजमी हैं, बढ़ी हैं, तो किस तरह का गोल आपने अपने लिए सेट किया है, क्या भविष्य में आप कार्य अपने क्षेत्र के लिए करेंगी? देखिए ऐसा है, मेरा गोल तो विकास का ही रहता है। मेरी जो सोच है, जो मैं राजनीति में जो आई हूँ, वो विकास को आगे, विकास किस तरह से हर क्षेत्र में अपने गांव-गांव तक पहुंचे, और जिस तरह की सोच हमारे सरकार, केंद्र सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी रखते हैं कि अंत्योदय तक पहुंचना है, विकास तभी विकास माना जाएगा जब मैं अपने गांव के आखिरी व्यक्ति तक पहुंच पाऊंगी और उसका विकास कर पाऊंगी, तभी मैं विकास मानूंगी कि मैं विकास कर पाई हूं। तो एक तो मैं विकास की तरफ, चाहे वो सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, स्कूली शिक्षा हो, इन पर तो मैं ध्यान दे ही रही हूँ। साथ ही साथ एक मेरे को बहुत ही प्रिय चीज, जो मेरे दिल को बहुत प्रिय है, वो है अपनी महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र करना, empower them financially, ताकि वो अगर आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी तभी मैं मानूंगी कि हम महिलाओं तक विकास ला पाए हैं। बहुत कार्य हो रहे हैं इस तरह के हमारे क्षेत्रों में, जहां हम समूहों के माध्यम से अपनी महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र कर रहे हैं, और अब ऐसा है कि आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और स्वदेशी चीजों से। देखिए जहां तक मेरा क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र में फैक्ट्रियों को लाना, इंडस्ट्रियों को लाना बहुत आसान कार्य नहीं होता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अपनी स्वदेशी चीजों को, चाहे वो लेमन ग्रास हो, झिंगोरा हो, कोदा हो, हमारी हल्दी हो, इस तरह की चीजों को हम इनकरेज कर रहे हैं अपनी महिलाओं के बीच में कि वो खेती की तरफ जाएं, इन चीजों को लगाएं और अपने को एम्पावर करें, फाइनेंशियली एम्पावर करें। तो इस तरह की चीजें मैं कर रही हूँ, दिस इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट कि मैं महिलाओं को अपने क्षेत्र में धीरे धीरे फाइनेंशियली एम्पावर करूं। तो यही मेरी सोच है कि विकास हम सड़कों, पानी, बिजली, शिक्षा से तो करें ही करें, साथ ही साथ अपने नौजवानों को, अपनी महिलाओं को फाइनेंशियली भी सिक्योर करें। बिल्कुल, और महिलाएं जब फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेंगी, जैसे आपने कहा कि आर्थिक तौर पर स्वतंत्र रहेंगी और परिवार का भी वे साथ दे सकती हैं क्षेत्र में, तो समाज का पूरी तरह से विकास होना संभव है। ऋतु जी आखिर में मैं आपसे बस यही जानना चाहूंगी कि पहली बार इस तरह का अवार्ड मिलना क्या मायने रखता है और एक अवार्ड की क्या अहमियत है आपके लिए? देखिए कोई भी अवार्ड जब मिलता है तो अवश्य खुशी होती है कि आपका कार्य सराहा जा रहा है, आपके कार्य को लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं और आपको सराह रहे हैं। तो मैं फेम इंडिया एशिया पोस्ट को धन्यवाद जरूर करना चाहूंगी कि उन्होंने बड़ा जबरदस्त, और मैं जो पढ़ रही थी, उन्होंने काफी डिटेल में सर्वे किया है और काफी डिटेल सर्वे के बाद उन्होंने ये 50 विधायक चुने हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि हौसला अफजाई जरूर होती है, अवार्ड्स मिलते हैं, खुशी भी होती है, हौसला अफजाई भी होती है, और साथ साथ मेरा क्षेत्र यमकेश्वर पूरे हिंदुस्तान में आज जाने लगेगा, इसकी भी मुझे अत्यंत खुशी है, और साथ ही साथ एक महिला होने के नाते मुझे ये अवार्ड मिला है। तो मैं पूरे उत्तराखंड की महिलाओं को ये अवार्ड समर्पित करना चाहूंगी और आशा करूंगी कि इस चीज को देख के हमारी महिलाएं भी, और जिस भी क्षेत्र में है उसमें खूब मेहनत करके तरह तरह के अपने अवार्ड्स करेंगी, आगे बढ़ेंगी, ये मैं आशा करती हूँ जी। और ऋतु जी आपको एक बार फिर से बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे आपके कार्यों के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद जनसत्य न्यूज से बात करने के लिए भी। धन्यवाद अनु, थैंक यू वेरी मच। जनसत्य को भी धन्यवाद कि आप मुझसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये थी ऋतु खंडूटी जी, जिन्हें ये सम्मान मिला है, और साफ है कि जो सम्मान होते हैं वो हमेशा बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिम्मेदारी की भावना को बढ़ाते हैं, और साथ ही इनके जरिए आप समाज को एक तरह से प्रेरणा भी दे सकते हैं, उनके लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं। ये बातचीत आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।